नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों तो जैसे कि आपने डेफिनेटली थंबनेल पढ़ा होगा दोस्तों, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में दोस्तों राइट शेयर पिक करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट शेयर के साथ साथ दोस्तों राइट टाइमिंग पे वो शेयर चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी जाके आपको इस तरह के रिटर्न मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि इस शेयर ने निकाल के दिया है दोस्तों। जैसे कि मैं अगर विथ प्रूफ बता रहा हूँ आपको दोस्तों, कुछ भी फेक नहीं, विथ चार्ट विथ प्रूफ, जैसे कि 1 महीने का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, 15% निकाल के दिया है दोस्तों, जो भी आपने कैपिटल निवेश किया था दोस्तों। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपये इसमें निवेश किया होता दोस्तों, तो आपको है ना 1 महीने में ही 15% रिटर्न निकाल के, यानी 1 लाख रुपये के ऊपर आपको सीधा सीधा दोस्तों 15% 15,000 रुपये बना के दिए होते शेयर ने दोस्तों विद। और ये जर्नी दोस्तों कंटिन्यूस चालू पिछले साल भर से दोस्तों, है ना, साल भर से। देखिए दोस्तों अगर 6 महीने का भी निकालूँ दोस्तों, तो 6 महीने में भी दोस्तों करीब करीब 16% का रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों। यही सिलसिला 6वें महीने में भी वही हुआ था दोस्तों, 6 महीने में भी निकाल के दिया। और अगर पूरी साल की भी बात करें दोस्तों, तो लगभग लगभग 12% का प्रॉफिट निकाल के दिया है दोस्तों इस शेयर ने दोस्तों। और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है दोस्तों, क्यों ये शेयर इतना भाग रहा है और आगे चल के और क्यों प्रॉफिट निकाल के दे सकता है दोस्तों, सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हो दोस्तों। बस वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि स्किप करते हो दोस्तों तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। और मैं वैसे भी 5-6 मिनट का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, काम की बातें ही पता चले, फालतू के पास से मैं वैसे भी नहीं करता हूँ दोस्तों। इसलिए 5-6 मिनट का जब वीडियो खोल लेते हो दोस्तों, तो पूरा देख लीजिए दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेंगी दोस्तों, अगर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की क्वालिटी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर मार्केट से मिलती रहती है। मनी फर्स्ट चैनल है दोस्तों, फेसबुक पे भी है दोस्तों और इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहती है दोस्तों, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ब्रीफ फाइनेंशियल मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। डिविडेंड पेइंग कंपनी, जी हाँ दोस्तों, पॉइंट डिविडेंड याइल्ड है दोस्तों 0.51%, यानी इस शेयर में अगर आप लेके भी बैठते हो तो डिविडेंड डेफिनेटली आपको मिलेगा मिलेगा। यानी डिविडेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो है ना पैसा है ना, कुछ ना कुछ आपको वापस मिलते रहता है दोस्तों। प्लस शेयर प्राइस अप्रिसिएशन की भी देखें दोस्तों, तो साल भर पहले जैसे कि मैं बताया 179 का था दोस्तों, वहाँ से ये लगभग लगभग डबल ही हो चुका है दोस्तों, 305 का हाई भी लगा के आया दोस्तों यही साल दोस्तों। तो जिन्होंने भी उसमें निवेश क्या होगा दोस्तों, तो हाई डबल पैसा कमा चुके हैं दोस्तों। और ऑलरेडी अभी करंट प्राइस जो है 247 के आसपास चल रहा है दोस्तों। 15,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों और ठीक ठाक मार्केट साइज है दोस्तों। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको करीब करीब 9% निकाल के दे रहा है दोस्तों आप लोगों को, और फेस वैल्यू अभी 10% है दोस्तों। अपन प्रॉफिट एंड लॉस देखे दोस्तों थोड़ा ब्रीफ में दोस्तों, तो सेल्स तो हो रही है दोस्तों, काफ़ी तगड़ी हो रही है दोस्तों, 5,000-6,000 करोड़ के आसपास का टिल डेट अभी सेल हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है दोस्तों, प्लस साइन में है दोस्तों। और सब कुछ काट पीट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों 1,000 करोड़ का है, और काट पीट के पूरा नेट प्रॉफिट दोस्तों 600-700 करोड़ का है दोस्तों। तो एज़ कम्पेयर टू टिल डेट अभी काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, और जो ये अभी सेप्टेम्बर का जो है उसके ज़्यादा ही है दोस्तों, है ना। और साथ ही साथ बैलेंस शीट दोस्तों, है ना, बैलेंस शीट में थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन दोस्तों ये जिस तरह से जो सेगमेंट से कंपनी आती है दोस्तों, वहाँ पे ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है दोस्तों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी, मैं नाम आपको बताऊँगा आपको आइडिया आ जाएगी दोस्तों, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो है ना, जो भी बैलेंस शीट स्टेटमेंट फाइनेंशियल जो है वो ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग आती है दोस्तों, वो है 34% दोस्तों। और जो प्लस पॉइंट है दोस्तों, जो मैं इसके लिए आपको इस शेयर के तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा, इसलिए इसमें जो तेज़ी भी आ रही है दोस्तों, और इसीलिए आपको इसमें निवेश भी करना चाहिए, निवेश के बारे में सोचना चाहिए। वो रीज़न दोस्तों ये है कि दोस्तों FII का आप देखिए दोस्तों शेयर दोस्तों, FII जो है दोस्तों वो ऐसी किसी शेयर में वो उस कुछ ना कुछ उस शेयर में देखते हैं, तभी उसमें पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों इस शेयर में देखिए दोस्तों, जो कोरोना के बाद से दोस्तों FII का जो जो 2020 के बाद देखिए दोस्तों, FII ने कितना ज़बरदस्त इसमें अपना जो स्टेक बढ़ाना शुरू किया दोस्तों। दिसंबर 21 के बाद से देखिए दोस्तों, 48% स्टेक है दोस्तों, जो अभी तक बढ़ा है दोस्तों, इवन थोड़ा सा है ना अभी और बढ़ा है पिछले जून क्वार्टर से, सेप्टेम्बर क्वार्टर में भी देखिए दोस्तों। तो यही रीज़न है दोस्तों, FII कुछ आए तो कुछ इस शेयर में देख रहे होंगे, तभी इस शेयर में आए दोस्तों, और यहाँ से आए तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट कमा के जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए वो जब तक यहाँ पे है दोस्तों, तो अपने को भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि अपन भी उस तेज़ी का लाभ उठा के अपन भी यहाँ पैसे बनाए दोस्तों। तो ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों इसका। अब मैं इस कंपनी का नाम और करती क्या है दोस्तों, वो सेगमेंट क्या है, क्यों दूसरा एक रीज़न है दोस्तों इस तरफ अपने को इस कंपनी की तरफ ध्यान देना चाहिए।
तो दोस्तों वो कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर लिमिटेड। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग अगर इस कंपनी को जानते होंगे दोस्तों, बीच में काफ़ी बीटन डाउन काउंटर था तो या स्टॉक था दोस्तों, लेकिन इसके जो जैसे मैं बताया फाइनेंशियल काफ़ी इंप्रूव है और अच्छे है दोस्तों, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है दोस्तों, जो गवर्नमेंट जैसे काफ़ी स्पेंड कर रहा है दोस्तों, और स्पेशली अपने रोड ट्रांसपोर्ट है ना, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन बाकी सभी, तो उस सब में जुड़ा हुआ है दोस्तों। और मेन जो इसका काम है दोस्तों है ना, रोड और हाईवे सेक्टर में दोस्तों, जैसे कि अपने जो मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, वो काफ़ी जो खर्चा कर रहे हैं दोस्तों रोड पे। और इसका दूसरा जो सेगमेंट है दोस्तों, टोल बना के टोल से भी रेवेन्यू मिलता है दोस्तों इसको, और अदर सेगमेंट जो है दोस्तों, रोड को मेंटेन करना, जो कि वही मैं बताया टोल से पैसे कमाना, मेंटेन करने का, वो टोल के भी चार्जेस जो लेते हैं उससे भी इसकी कमाई होती है, कंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट में भी है दोस्तों कंपनी। तो पूरा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट सेगमेंट से, जो कि एक सेक्टर आने वाले सालों में काफ़ी बूम में रहेगा और काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल और लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये शेयर के लिए काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और जो सेकंड रीज़न मैंने बताया दोस्तों है ना, जो फॉरेन निवेशक है दोस्तों, उन्होंने भी काफ़ी सारा चंक इसमें उठाया है दोस्तों, तो वो पॉइंट वे से दोस्तों आप इस शेयर को आपके रेडार में रख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा चंक करके उठा सकते हैं दोस्तों। आगे चल के आपको साल भर दर में जो पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है दोस्तों, साल भर में अगर 10-15% भी रिटर्न निकाल के दिया है तो क्या बुरा है दोस्तों। तो वो पॉइंट वे से डेफिनेटली आप इसको आपके रेडार पे है ना, आप भी इस पर एनालिसिस करके दोस्तों डेफिनेटली आपको इस शेयर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर का बटन डेफिनेटली दबा दीजिए दोस्तों।